हेलो दोस्तों, मैं इससे पहले आपको तीन धाम के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें से द्वारिका धाम, जगन्नाथपुरी का धाम और लास्ट में मैंने बताया था बद्रीनाथ धाम। चार धामों में से आज मैं आप लोगों को रामेश्वरम धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये मंदिर हिंदुओं का एक बहुत पवित्र मंदिर है और इसे चार धामों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम पे भी जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। जिस तरीके से उत्तर भारत में काशी का महत्व है, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है एवं शंख आकार का द्वीप है। सदियों पहले ये द्वीप भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सागर के तेज लहर से कटकर ये अलग हो गया, जिससे यह टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया है। बाद में एक जर्मन इंजीनियर ने रामेश्वरम को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। इस मंदिर का जो इतिहास है कि माना जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका से लौटते टाइम देवोदिदेव महादेव से इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वर मंदिर और रामेश्वर द्वीप का नाम पड़ा। ऐसे मान्यता है कि रावण के वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रख कर ही भारत लौटे थे। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को ख़त्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा गया था। जब हनुमान समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुँचे, तब देवी सीता ने समुद्र के रेत को मुट्ठी में बांधकर शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद पंद्रह शताब्दी में राजा उड्डयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसको 78 फीट ऊंचे गोपुरम के निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिण में दूसरे हिस्से के दीवार निर्माण का तिरुमलाई सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलाई एवं उनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है। 16वीं शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक ने एक अधीनस्थ राजा उड्डयन सेतुपति कट्टतेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है, उनका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेतुपति और रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर का निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेतुपति साम्राज्य का जफ्फना राजा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा। कुछ रोचक तथ्य रामेश्वरम मंदिर के बारे में जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मंदिर 1000 फुट लंबा और 650 फुट चौड़ा है। 40 फुट ऊंचे दो पत्थर पर इतने ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो आज भी बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थर को श्रीलंका से नाव द्वारा लाया गया था। रामेश्वरम की गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर और पूर्व पश्चिम में 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार में गोपुरम
38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुआं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थ का जल छोड़ा था। मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है, क्योंकि भगवान राम से हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव की पूजा की थी। इसलिए मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग के विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के ब्रह्म हत्या से पापों से मुक्ति मिल जाता है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ है जो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ के अग्नि तीर्थों के नाम पर जाना जाता है। इस मंदिर के स्थापत्य कला के बारे में कहा जाता है कि रामेश्वरम मंदिर का प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है, जो भारतीय निर्माण कला का एक बहुत आकर्षक नमूना है। मंदिर में सैकड़ों विशाल स्तंभ है और प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग तरीके का बहुत ही बारीकी से कलाकृतियाँ बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था। मंदिर में लिंगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में दो लिंग है, एक माता सीता द्वारा रेत से निर्मित है जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम का नाम दिया हुआ है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया है जिसे विश्वलिंगम के नाम पर जाना जाता है। भगवान राम के आदेश अनुसार हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग अर्थात विश्वलिंगम की पूजा आज भी सबसे पहले की जाती है। रामेश्वरम मंदिर में पूजा का समय रामेश्वरम मंदिर में सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। श्रद्धालु पहले प्रहर में सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक दर्शन और पूजन कर सकते हैं। ठीक 1 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रहर में शाम को 3 बजे मंदिर दोबारा खोला जाता है। इस प्रहर में शाम को 3 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। आपको बता दें कि रामेश्वरम में होने वाली प्रत्येक पूजा का अलग अलग नाम है और ये पूजा अलग अलग समय पर होता है। इस पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए रामेश्वरम मंदिर जाने वाले को इसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले पल्ली आराई दीप आराधना नामक पूजा होता है। सुबह 5:10 पर स्पदिलिंगा दीप आराधना होता है। सुबह 5:45 पर तिरुवनंथल दीप आराधना होता है। सुबह 7 बजे वीला पूजा, सुबह 10 बजे कालाशस्ती पूजा होता है। दोपहर को 12 बजे ऊंची कला पूजा, शाम को 6 बजे सयरत्ता पूजा होता है, रात को 8:30 अर्थजमा पूजा, रात को 8:45 पर पल्ली आराई पूजा होती है। मंदिर में नगद सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। इन वस्तुओं को चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं को नाम पे मंदिर में रजिस्टर में लिखा जाता है और उसका बकायदा रसीद भी दिया जाता है। इनके अलावा मंदिर में गंगाजल, पीतल, तांबे या कांसे के बर्तन भी चढ़ाने की अनुमति है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय आया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आप इन विशेष महीनों में रामेश्वरम आने का लिए प्लान कर सकते हैं, जो रामेश्वरम मंदिर में फरवरी मार्च के महीने में महाशिवरात्रि के टाइम पे होता है। आप जब रामेश्वरम में आएंगे, रामेश्वरम को छोड़ के भी यहाँ पे आप इंदिरा गांधी सेतु, पांबरान सेतु, अग्नि तीर्थम और अरियनमन बीच भी यहाँ पे देखने लायक जगह। तो ये रहा रामेश्वरम के बारे में कुछ तथ्य और जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे
तो आगे और भी अच्छे और रोमांचकर वीडियो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं।